नमस्कार, मैं रिंकी वाजपेयी, आप देख रहे हैं जगन न्यूज 24। बड़वानी में सोमवार को विधानसभा निर्वाचन चुनाव के अंतिम दिन बड़वानी विधानसभा क्रमांक 190 से भारतीय जनता पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने विशाल रैली निकाली गई। आपको बता दें कि बड़वानी विधानसभा के भाजपा उम्मीदवार प्रेम सिंह पटेल आज रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष नामांकन दाखिल किया, जिसके लिए राजघाट रोड स्थित भाजपा कार्यालय विशाल रैली निकाली गई, जिसमें भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारियों सहित सैकड़ों की तादाद में पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने इस दौरान अपना पक्ष रखते हुए भाजपा उम्मीदवारों के हजारों से अधिक मतों से विजयी होने की बात कही। रैली में बड़ी संख्या में एक ही वेशभूषा में भाजपा समर्थित साड़ियां पहनावा पहन कर चल रही थी। रैली भाजपा कार्यालय से शुरू होकर महालक्ष्मी गेस्ट हाउस, झंडा चौक, रंजीत चौक, मोटी माता चौक, कारंजा, अंजड़ नाका, रेवा सर्कल होते हुए हनुमान मंदिर में समापन हुई। रैली के दौरान जगह फूलमालाओं से प्रेम सिंह पटेल भाजपा प्रत्याशी का स्वागत सत्कार किया गया। देखिए बड़वानी से रघुनाथ सिंह की रिपोर्ट। हां मंत्री महोदय, आज जो नामांकन रैली निकाली है और भाजपा की रणनीति क्या रहेगी चुनाव में आप विजयी हो जिससे? देखो, भारतीय जनता पार्टी की रणनीति आज की नहीं है, कई दिनों से रणनीति चल रही है और रणनीति चुनाव लड़ने और चुनाव जीतने के लिए की जाती है। हमारे आज कार्यकर्ता हर बूथ से और गांव-गांव, पंचायत-पंचायत से सरपंच वगैरह सभी आज आकर रैली में शामिल हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। बड़वानी विधानसभा से चार सीटें, चारों सीटों में क्या आपकी क्या उम्मीद लगती है? देखो, भारतीय जनता पार्टी आज से मेहनत नहीं कर रही, कई दिनों अनेक दिनों से मेहनत कर रही है। चारों सीटों पर हम भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराएंगे। अच्छा, कौन कौन से मुद्दे रहे मेरे जिसे जमीनी स्तर पर आप जाओगे? देखो, भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे एक से एक मुद्दा है। पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी आई पर कम दिनों में हमारी सरकारें मध्य प्रदेश और भारत में बनी और जब हमारी सरकार बनी अटल बिहारी वाजपेयी देश का प्रधानमंत्री बना, उस रोज से इस मध्य प्रदेश पूरे देश में प्रधानमंत्री के रोड से आज चमचमाते हुए रोड दिखते हैं, वो हमारी सरकार के हैं, ये हमारा मुद्दा है। दूसरी बात, आज हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने जिस प्रकार से काम किया है, आज प्रधानमंत्री आवास देश की टंकिया, जिस प्रकार से कोई बीमार हो जाता है उसके लिए भी 5 लाख का चेक बन के और उनके नाम से बीमार हो जाता है तो इसके हाथ जोड़ने नहीं जाना पड़ता है, ये हमारा मुद्दा है। और भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किए है, ये काम कभी कांग्रेस ने जिंदगी में नहीं किए, ये चैलेंज के साथ कह रहा हूँ। आज भारतीय जनता पार्टी पे जनता बहुत खुश है। माननीय शिवराज सिंह चौहान, माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने जिस प्रकार से किया है काम, ये काम कोई कांग्रेस ने नहीं किया है। कांग्रेस के लोग कहते हैं भारतीय जनता पार्टी काम नहीं किया, मैं कहना चाहता हूँ कांग्रेस के लोगों को, क्योंकि ये लोग 5 साल में जाते हैं, उनको काम नहीं दिखता है, उनको चुनाव जीतने के लिए झूठ बोलने के लिए हर प्रकार की बातें कर लेते हैं। देखो, जिस प्रकार से हमारी लड़की लड़के पढ़ने के लिए भी जितना साधन, जो हमारा बेटा बेटे अगर अच्छे परसेंट से पास होना है तो हमारी सरकार ने, हमारे मुखिया माननीय शिवराज सिंह चौहान ने जो किया है लैपटॉप देने का काम, स्कूटी भी हम लोगों ने दी है। बड़वानी विधानसभा में हम लोगों ने कम से कम हमारी बेटे बेटों को हौसले बढ़ाने के लिए लैपटॉप भी हमने अनेक बेटी बेटियों को दिए है और स्कूटी भी हम लोगों ने बड़वानी में मेरे द्वारा ही बांटी गई है। ऐसा अच्छा काम कांग्रेस ने कभी नहीं किया। कांग्रेस तो सिर्फ जब कांग्रेस की सरकार थी, मैं जब छोटा था मैंने देखी है, जब हमारे लोग बच्चे पैदा होते तो क्या उनको पोषणा थोड़ी पड़ता है, बच्चे पैदा करते थे हम ही पोसते हैं, पर उन्होंने ऑपरेशन किया था और ऑपरेशन से लेकर जब अनेक चीजें जैसे सोसाइटी का कर्जा ले लेते थे तो कर्जे में भी हम लोगों के साथ में जब हमारा फसल इकट्ठी करके रखते थे समय पे, मतलब पहले वसूली करने के भेज देते थे और हमारी इज्जत लेते थे। ऐसी सरकार को जनता ने उखाड़ के फेंका है और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी का
भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और हम लोग मध्य प्रदेश की सरकार शिवराज सिंह चौहान की बनेगी। हाँ महोदय, आज जो मंत्री जी ने नामांकन दाखिल करा और विशाल रैली निकली है, तो भाजपा क्या रणनीति रहेगी अगले चुनाव लड़ने विधानसभा चुनाव में? भारतीय जनता पार्टी देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और मध्य प्रदेश के लोकप्रिय और जनप्रिय मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान के साथ भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व लगातार पूरे मध्य प्रदेश के अंदर कार्यकर्ताओं के दम पर, कार्यकर्ताओं के संगठन के दम पर हर विधानसभा को जीतने की रणनीति के साथ हम मैदान में उतरे हैं। और बड़वानी जिले की अगर मैं बात करूं तो आज आपने माननीय प्रेम सिंह जी पटेल जिनकी नामांकन रैली में जो अथाह जन सैलाब उमड़ा है, ये तय करता है कि बड़वानी विधानसभा हम जीतेंगे। और बड़वानी के साथ में राजपुर, सेंधवा, पानसेमल और धार जिले की 7, खरगोन जिले की 6, अलीराजपुर जिले की 2, झाबुआ जिले की 3, रतलाम की जो सीटें हैं वो, हम सभी सीटें मालवा और निमाड़ की जीतने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और ये संघर्ष भारतीय जनता पार्टी का कमल के फूल को खिलाएगा, ये हमको पूरा भरोसा है। और बड़वानी की सीट भी हम रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे। खबरों की अपडेट पाने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और हाँ, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें जगन न्यूज 24।